आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट कि मतलब जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता सो आई थिंक इट्स रियली एक्साइटिंग एंड वी कैन जस्ट बी आवरसेल्व्स एंड जस्ट एंजॉय आई नो एंड आई थिंक आई वाज इक्वली एक्साइटेड अबाउट इट व्हेन आई फाउंड आउट आई वाज लाइक दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल काइंड ऑफ अटायर टू वेयर इन अ पार्टी सो या ड्रेस्ड इन पजामास एग्जैक्टली एंड डेली शूट करके आपको टाइम मिलता नहीं है इस तरह की अटायर में आने का सो एग्जैक्टली आई एम एक्साइटेड आई एम लुक या I'm really excited because my Bonnie, I call her Bonnie. She is my really, 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 really good friend. And I'm really happy for her. Yes, maine trailer dekha hai. I think मैंने तो किस नहीं करी इतनी जितनी किसेस इन्होंने किए अपने क्लास में 2020 में तुमने किए इतनी किसेस थोड़े से लेट चल रहे हैं हमारे टाइम पे इतनी किस और ये सब नहीं होती थी बट आई थिंक इट वाज गुड फन तू अपना सीक्रेट बता सीक्रेट देख ले ना सब सीक्रेट देखो क्लास 2020 सीक्रेट जानने के But I got really enjoyed playing Zoe because Zoe gets all the attention from the boys. And in high school, I was this like plump fat kid that like I used to get no attention from the boys. So it was super fun for me. There you go. Cool. क्योंकि एज महाकाली प्ले करना बहुत टफ हो जाता है एंड मुझे नहीं पता था कि फैंस मुझे इतना पसंद करेंगे जहाँ भी जाती हूँ कि महाकाली पार्वती दुर्गा को सबसे मुझे रिकॉग्नाइज किया जाता है सो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि फैंस को यही बोलूँगी धन्यवाद थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग एंड जिस तरह से अभिषेक आप मेरे को प्यार करते हैं इसी करते हैं थैंक यू सो मच चलो भी तुम रीड करो राइट गाइस प्लीज वॉच क्लास ऑफ 2020 द एपिसोड्स आउट नाउ ऑन ऑड बालाजी एग्जैक्टली स्ट्रीमिंग नाउ गो एंड वॉच इट थैंक यू चीयर्स बाय बाय थैंक यू बाय डियर बाय We were also class of 2020. Haan ji. Zara. Pass me. बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है यंग है और विकास का शो है तो आई एम श्योर कॉन्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा बहुत मुझे अपने टीनेज ईयर्स की याद आ गई सो आई थिंक मेरे लिए स्पेशली फिलहाल ऐसा वेब सीरीज देखना बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेगा सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच इट यार मेरे लिए तो यह है कि मैं उस टाइम पे पैदा क्यों नहीं हुआ ऐसे टाइम पे क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ होता ही नहीं था यार इतना मस्ती इतना धमाल बट डेफिनेटली यार विकास जो है बहुत ही अच्छे यूथ को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेटली तो मैं या ये भाई मेरा तो मेरा खुशी छुपाए नहीं छुप रही है तो अब 13 वीक्स के बाद 13 हफ्ते के बाद 13 हफ्ते बाद आई हूँ वापस अगर खुश नहीं होंगे ना तो बिग बॉस शुरू हो जाएगा मेरे घर में इनके साथ तो खुशी तो दिखानी पड़ेगी वैसे मुझे लगता है खुश तो है मगर इनकी जो 13 हफ्तों में पार्टियाँ हुई हैं ना मेरे पीछे वो सब खत्म हो गई है अच्छा रियली रियली मुझे खबर मिल रही है बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे बहुत गुस्सा आ रहा था इनको और ठीक है यार सी आई कैन अंडरस्टैंड इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हेल्पलेस जब आदमी फील करता है ये कुछ कर नहीं पा रहे थे मैं घर के अंदर थी ये घर के बाहर थे तो कहीं ना कहीं उनको अपना फ्रस्ट्रेशन चैनलाइज करना था तो बिना सोचे समझे गुस्से में आके इन्होंने वीडियो बनाया
मगर सलमान सर ने हमें समझाया है दोनों ने, दोनों को, कि ये गेम है, इसको घर के अंदर छोड़ के आप बाहर फिनिश इट ऑफ, इट वॉज अ गेम. घर के बाहर देखो, मैं मानती हूँ कि घर के अंदर जितने लोग हैं दिल के कोई बुरा नहीं है, वो गेम ऐसा होता है कि सबका बैड साइड बाहर निकलता है. तो अब जब मैं घर के बाहर आ गई हूँ, आई थिंक आई शुड जस्ट लीव द गेम बिहाइंड और आगे का ज़्यादा ना सोचते हो. आई थिंक वी हैव टू बी ए मैच्योर, और सलमान सर ने यही समझाया हम दोनों को, एंड वी अग्री विथ हिम, उनका हमने रिस्पेक्ट रखा है. डेफिनेटली सलमान सर के लिए कुछ भी. या एंड सर के लिए क्या बनाया आपने बिग बॉस में, काफी आपने यहां पर क्या बनाया आपने सर के लिए, कुछ बनाया कि नहीं? मैं परांग जब भी आज जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि आपने, अरे माय गॉड, मेरी रोटियां इतनी अच्छी बनती थी कि घर वाले लड़ते थे कि शिफाली ही रोटी बनाएगी, और उसमें क्या होता था, मैंने बोल दिया मैं रोटी बनाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी. तो मेरे लिए भी अच्छा था, गुजराती हूँ ना तो अच्छे गोल गोल गुजराती फुलके बनाती थी. कैमरा एंगल होता था, फुलका फूल रहा है और जैसे पहना और बहुत मजा आया. मुझे लगता है कि मुझे बीबी डोमेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मैं बर्तन मांग सकती हूँ, मैं कपड़े धो सकती हूँ, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी बना सकती हूँ, मैं पूरा डोमेस्टिकेट हो चुकी हूँ. एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमें पूरी सिंपथी थी उनके साथ. अब एंड एंड में तबीयत ठीक भी हो गई, फिर भी वो लिबर्टी ले लेते थे कि यार मेरी तो तबीयत ख़राब है, हम कहते थे चलो कोई नहीं तुम रेस्ट करो हम कर लेंगे. मुझे नहीं लगता फेवरिज्म है, आप जो अपना व्यक्तित्व दिखाते हो वही लोगों को बाहर दिखता है. और फैन फॉलोइंग इस बार आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सीजन रहा है, और सभी घर वालों की बहुत ही स्ट्रांग फैन फॉलोइंग रही है. तो क्या होता है, एक वीक आप हीरो दिखते हो, एक वीक आप विलन दिखते हो, क्योंकि घर के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं. तो कभी कभी आपको लगता है कि बायसनेस हो रही है, बट ऐसा नहीं है. सी आई थिंक वेरी स्ट्रांगली सिद्धार्थ और आसिम टॉप थ्री में तो हैं. आरती मुझे लगती है साथ में इनको आजकल, मुझे भी लग रहा है आरती इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, और आरती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो भी टॉप थ्री में आए. बट इट विल आइदर बी आरती और शहनाज, रश्मि बहुत अच्छी प्लेयर है, या बट आई थिंक आरती और शहनाज. आरती जाने वाली है, आरती और शहनाज. डन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योरसेल्फ. थैंक यू, सारे दोस्त हैं, और बहुत ही अच्छा ट्रेलर है, ट्रेलर देखा हमने, लुक्स क्लासी, और एक पे मतलब मजा ही आता है, प्लस विकास सर का माइंड है. यहाँ पे सब हो रहा है, बट हमको वो देख के मजा आ रहा है, क्योंकि हमने फिर ऐसा कभी ऐसे स्कूल में हम गए नहीं है. अच्छा, स्कूल में थी नहीं, ऑब्वियसली नॉट. उनके मतलब मास्टरमाइंड तो है ही, वैसे ही नहीं बोलते मास्टरमाइंड, उन्होंने मतलब जो भी करते हैं इस गुड एट इट, मतलब रियलिटी शोज से लेके अब जो भी चीजें प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने हमेशा सुपर हिट्स दिए हर चीज, इसमें भी कुछ अलग-अलग चीजें अपने दिमाग से दिखाई हैं. तो आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर को ही, आज लॉन्च है. आई एम सो हैप्पी. या सेम 2019 में आप लोगों ने काफी सॉन्ग बना के धमाल किया मीडिया में, तो 2020 में अरे बहुत कुछ है लाइनअप में. अभी अभी हम दुबई से रिटर्न हुए, तीन तिगाड़ा का नया सॉन्ग आ रहा है बहुत जल्द, क्योंकि आप सब ने रुलाके का इसको इतना सारा प्यार दिया, 70 मिलियन क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे, 72 हो चुका है, और आप फैंस का अगर प्यार ऐसा ही रहा तो जल्दी 100 मिलियन हो जाएगा, 200 मिलियन हो जाएगा. सो आप लोग ने इतना प्यार किया तो हम एक और एक नहीं बल्कि दो दो नए सॉन्ग लेके आ रहे हैं. दो सॉन्ग हमने शूट किए हैं, बहुत जल्द आ जाएंगे बहुत. और वैसे 10 तारीख को तीन तिगाड़ा की एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, एक साल पूरा होने वाला है. हम उस दिन एक साल होने वाला था, एक साल होने वाला है, हम 10 फरवरी को मिले थे पहली बार लास्ट ईयर. हाँ, तो पता नहीं, लेकिन लोगों का दिल बहुत जीता है. मैं पर्सनली देख नहीं पा रहा हूँ मैं, बट मैं फॉलो अप पूरा रख रहा हूँ बिग बॉस का. टिकटॉक पे फॉलोअर पे वीडियोस आ जाते हैं उससे पता चल जाता है, लेकिन मैं अभी तो घर जाके स्पेशली देखते हैं. सेम सेम सेम, मैं बहुत फॉलो अप कर रहा हूँ बिग बॉस को फिलहाल. एक और है फेवरेट आपके
मेरे सिद्धार्थ, मेरा भी सिद्धार्थ, सिद्धार्थ 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 एंड आसिम आल्सो आसिम क्लोज साइड है, तू 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 करके दिखा सकते कुछ ऐसा उनका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैं अभी रिश्ते बनाने के लिए आया तुम लोगों के साथ, समझ में आया ना, समझ में आया, देखो हमें चाटने की जरूरत नहीं है, बेस्ट वो चट्टान है आदमी और किसी को भी गिरा सकता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑफकोर्स पजामा पार्टी होती है तो सबको ही बहुत कूल सा, बहुत चिल्ड आउट सा फील आता है ना, आई एम श्योर अंदर बहुत लोग चिल्ड आउट हैं, बहुत ही कूल फील कर रहे हैं, लाइक हिपी टाइप्स, एंड वो तो अंदर जाके पता चलेगा कि कितना धमाल अंदर हो रहा है। आई कुडंट वॉच द एपिसोड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आई वॉज बिजी ऑन शूट, लेकिन जो प्रोमोज मैंने देखे हैं, जो टीज़र मैंने देखे हैं, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्लास ऑफ 2020 वैसे ही बहुत स्कूल के बच्चों के ऊपर है, तो स्कूल के बच्चे तो हमें भी स्कूल का टाइम याद आ जाता है कि जब हम भी बहुत मस्ती करते थे, जब हम भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन वी कुडंट गेट द दैट थिंग, यू नो, एक टीचर्स की फाउंडेशन होती थी कि हम नहीं कर पाते थे अपनी मनमर्जियाँ, लेकिन क्लास ऑफ 2020 में वो सब कुछ देखने को मिल रहा है कि एक जो हमारी इच्छाएँ मर गई थी वो शायद विकास गुप्ता ने सारी की सारी बाहर निकाल दी कि वी कुड रिकनेक्ट विद आर स्कूलहुड। ओके, स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो क्या कुछ मतलब आपके मेमोरीज हैं स्कूल कॉलेज की, तो आप? मैं बंक बहुत मारती थी जब मैं स्कूल में थी और मैं मार भी बहुत खाती थी तो आई एम श्योर कि क्लास ऑफ 2020 में जब भी बच्चे बंक मारते होंगे तो उनको मारनी पड़ती होगी, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। हाँ वो तो मैंने देखा, लेकिन वो भी चलता है, मैंने कहा ना कुछ इच्छाएं हमारी भी स्कूल टाइम पे थी करने की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो शायद इनके थ्रू हम वो ज़िंदगी वापस से जीने की कोशिश करेंगे। ओह दिस इज़ क्वाइट पर्सनल, इंडीड यस, बिकॉज वो एज ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं होती है, तो यस आई हैड अ क्रश ऑन माई मैथ्स टीचर, इंडीड यस। फैंस की ही वजह से शायद ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो पाया है, सिर्फ उनको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहूँगी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बालवी रिटर्न्स को उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, अभी तक उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी हूँ और आगे भी उतरती रहूँगी कि बालवीर को तकलीफें देती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बट एनीवे आई एम हैप्पी, but the, you know, this happy the kids this are very party. Very good, yeah. Can you have happy about this party? Happy about this party, I'm really sad about अंदर का माहौल, ये देखो क्लास की पार्टी है बच्चों की, एवल कंप्लीटली दे आर कॉल्ड नॉट टीनएजर्स, टीन रेजर्स, टीन रेजर्स, सो अर्जुन इज हैविंग अ लॉट ऑफ मस्ती upstairs and we can't have a lot of musty sir I wear na we have to be good girls, be good girls and respect sir, respect sir. I just tell you I don't like good girls. Oh okay so I think now we will misbehave no now we'll misbehave cool. ये सोच के क्योंकि क्लास ऑफ 2017 जब आया था बहुत बड़ा हिट हुआ था, तो पिछले दो साल से बोल रहे उसका सीक्वल बनाओ सीक्वल बनाओ सीक्वल बनाओ, मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, तुम सब जानते हो, तो अब इस बार मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू द सीक्वल एंड इट्स कम आउट सो ब्यूटीफुल। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेसिकली ही लव्स मनी, सबसे सस्ता शो है मेरा ये, और फिर भी हमने इसे इतने अच्छी तरीके से बनाया है, एवरीवन्स वर्क एट ऑलमोस्ट निल द प्राइस। द बेस्ट पार्ट अबाउट इज इट्स गॉट 3 seasons एंड दे आर ऑल रिलीजिंग इन द सेम मंथ, सो आज रिलीज हुए 11, the second season is releasing on the 14th of Feb and the third is releasing on the 24th or 25th of Feb, I'm not sure of that one. So the entire 3 seasons will come in the month of February. Work very hard. We'll watch it. I wish you all the luck and we both hope that yes. It does amazing. Yeah. So that much I can make bigger shows. 2017. If it does much better 2017, then I'm going to throw another party. Oh yeah. And in 2021, it's going to be us. Okay. I was just going to say this. तुम वैसे भी खतरों के खिलाड़ी के प्रोमो में स्कूली ड्रेस में भाग रही थी हो। I know, yeah. ऐसे।
तेरे को चेतना पांडे 17 साल की लग रही है, I can't believe it. उसका रीज़न ये है कि मुझे कपड़े पहनने नहीं पड़ेंगे ना फिर, तो मैं अपने रैंडमली कुछ ही पहन के आ जाऊंगा. और फिर तो ये वैसे भी स्कूल की पार्टी थी तो यहाँ तो पजामा पार्टी बनती बनती है. But it's a very good thing. No, but then हमारे ना स्टाइलिस्ट के पैसे बच गए. His last to last birthday party was also pajama parties. I think he only owns pajamas. No, yaar, because I was there at the birthday party. No, you came, but that was उससे पहले superhero party थी, याद है? नहीं, वो वाली में मैं नहीं थी. मेरे को नहीं पता, मैंने मैंने विकास को बस अभी कुछ दिनों पहले जाना है, so I think now I'll be the part of all the parties. Yes. मेरी पार्टी शादी एक ही होती है. ओह शट, मैं करता नहीं. अनिली बेहद टू आ गया है. अरे वाह, बेहद टू मैं करता हूं. बेहद टू चला गया जी. इस जेनिफर भी मतलब कला की आदत किसी है तो भी हर बात में जैसे बोले बहुत अच्छा लग रहा है यार. लाइक जेनिफर इज अ फैबुलस फैबुलस एक्टर, सो व्हेनेवर शी इज ऑन स्क्रीन तो उनको देखकर बहुत मजा आता है. और बेहद टू भी बहुत अच्छा कर रहा है. एंड जेनिफर इज ऑलवेज एज ऑलवेज किलिंग इट. एंड इवन शिवन इज डूइंग अ फैब जॉब. यू नो शिवन, राइट? या वी आर इन खतरो टुगेदर. सो ऑल ऑफ देम आर डूइंग अ फैब जॉब. पर उसमें मैं नहीं हूँ तो जो भी कुछ मिसिंग है वो मेरी वजह से नहीं. जैसे कि सिलसिला का पार्ट 1 किसी और ने किया तो सिलसिला का पार्ट 2 हमने किया, वैसे पार्ट 1 किसी ने. इट्स ओके, लाइफ होता रहता है. सब आउट कर हमें घमंड किसी बात का नहीं. पार्ट 3 भी देखने मिलेगा हमें. सिलसिला का कि बेहद का? का 3 सिलसिला का. अगर तेजस्वी मैम के डेट्स फ्री होंगे तो क्यों नहीं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की पागल है. सीजन 3 नहीं आ रहा है और इनको पैसे भी डबल चाहिए. ये झूठ है. प्लान है, आएगा. हां, आई लेट्स होप सो. क्रॉस, थैंक यू. कीप योर फिंगर्स क्रॉस. बाय. फैमिली फैमिली आइए. वेल आज इतनी लॉन्च पार्टी है और उस पर हमें विकास भी ने बुलाया, तो थैंक यू विकास भैया. और मैं विकास भैया एंड एक्टर मैम दोनों को थैंक्स कहना चाहूँगा. कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा. मुबारकबाद हो विकास भाई को फॉर दिस वन. आई होप ये बहुत, इसका ट्रेलर देखा मैंने, बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ही थ्रिलर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड लव जस्ट सी अभी क्या होता है आगे. लाइक आज ही से स्ट्रीम होना शुरू हुआ है तो सबको ही देखो और बताओ कैसा है. स्कूल एंड कॉलेज तो हमेशा से ही एक धमाल स्टोरी होती है, सबकी अपनी अपनी फन स्टोरी होती है. और हम लोगों ने अपना यू नो होम टाउन से स्कूलिंग की हुई है तो ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत मज़े आए. और अब यहाँ से कॉलेज हो रहा है तो यहाँ पे भी बहुत मज़े. स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ कोई मिस नहीं करनी चाहिए. या अभी थोड़ा बहुत तो कुछ बदला है बट अभी और मेहनत करनी है, और बड़ी चीज़ें करनी है. अगर आशीर्वाद रहा तो और अच्छा करेंगे. मुझे तो मेरे भाई बहुत अच्छे लगे. लेकिन बिल्कुल, बहुत एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है. मे बी ऑन 9th वी विल अनाउंस आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन बॉन्ड ब्रॉस रिकॉर्ड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.